हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बेहद ही खास देश जिसका नाम है बहरीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहरीन की यात्रा की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, बहरीन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा द्वीप जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। बहरीन है भी ऐसा ही। बहरीन मध्य पूर्व फारस की खाड़ी में सऊदी अरब के पूर्व में है। ये एक छोटा सा राष्ट्र है जिसका कुल एरिया मात्र 760 वर्ग किलोमीटर ही है। अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में ये फैला हुआ है। बहरीन में अधिकतम आप रेगिस्तानी मैदान देखेंगे। यहाँ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी अरब देशों में बहरीन सबसे छोटा है। एक लंबे समय के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल यहाँ किया जाता था बहुत पहले। दोस्तों, बहरीन की आबादी का अधिकतम भाग इस्लाम धर्म को मानता है, तो वहीं लगभग 10% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। एक बहुत ही खास बात है इस देश में, यहाँ पर अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि यहाँ शराब बिल्कुल भी नहीं मिलती। बहरीन में शराब पर प्रतिबंध है। ये राज्य के स्थानीय लोगों के लिए भी है और मेहमानों के लिए। यहाँ पर शराब बेचना, शराब पीना, सब कुछ। दोस्तों, यहाँ पर संडे को नहीं बल्कि सैटरडे और फ्राइडे को छुट्टी मनाई जाती है। जी हाँ, हमारे इंडिया की तरह यहाँ संडे को छुट्टी नहीं होती है बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को ये लोग छुट्टी मनाते हैं। बहरीन को ग्रेट ब्रिटेन से 1971 में स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, और तब से ये लगातार अपने आप को विकसित करने में लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। यहाँ आप आधुनिक बहरीन को भी देखेंगे, परंपरागत बहरीन को भी देखेंगे और सालों पुराना बहरीन भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है। इस देश में साल 2002 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इस देश का सबसे बड़ा शहर और इस देश की राजधानी बनामा है। इस देश के ध्वज को दुनिया में सबसे बड़ा ध्वज माना जाता है। अगर हम पेट्रोलियम की खोज की बात करें तो 1932 में यहाँ पेट्रोलियम की खोज की गई थी। ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश था। दोस्तों, ये देश बहुत खूबसूरत है और प्रकृति ने इसको प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ बहुत सारी खूबसूरती भी दी है। बहरीन में एक पेड़ है जो 400 सालों से है, और ये पेड़ बिना पानी के स्रोत के ही रेगिस्तान में बढ़ रहा है ना, कितनी हैरानी वाली बात। और यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय और थोड़े से पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आपको कुछ खास जगहों की सैर पर लेकर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बहरीन खजूर के हरे भरे बागों के लिए भी फेमस है। प्राचीन काल से ही ये खजूर के भंडार के लिए एक ह्यूज सेंटर बना हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ बेहतरीन स्रोत है। बहरीन द्वीप को व्यापक रूप से दिलमुन के प्राचीन साम्राज्य का स्थल माना जाता है। दोस्तों, बहरीन राज्य को खाड़ी का मोती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये अरब देशों से बिल्कुल अलग हटकर है। यहाँ पर्यटन भी बेहतरीन है। बहुत सारे लोग देश विदेश से यहाँ घूमने आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहरीन साम्राज्य छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं और यहाँ के लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं अल फतेह ग्रैंड मस्जिद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहरीन एक इस्लामिक देश भी है, तो यहाँ की सबसे भव्य मस्जिद है अल फतेह ग्रैंड मस्जिद। भव्य मस्जिद देश की शान और आन है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। 6500 वर्ग मीटर के कुल भूमि क्षेत्र में ये है। ये भव्य और विशाल पूजा स्थल है और एक साथ आप 7000 उपासकों को यहाँ देख सकते हैं। 2006 में अल फतेह बहरीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थान बन गया। दोस्तों, ये है कलातल बहरीन। कलातल बहरीन या बहरीन किला या फिर बहरीन किले के रूप में इसे जाना जाता है। संस्कृति और इतिहास से सराबोर ये जगह टूरिस्ट की फेवरेट। यहाँ आकर आप बहरीन की संस्कृति, इसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसकी मान्यता है। दोस्तों, ये है बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय। बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय में जाकर देश के इतिहास के बारे में जानें। ये देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। 1988 के आसपास इसे बनाया गया था। संग्रहालय लगभग 27,800 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें कुछ इमारतें भी हैं। अद्वितीय बुनियादी ढांचा वास्तव में आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा।
दोस्तों ये है अल अरीन वन्य जीव पार्क। अल अरीन वन्य जीव पार्क में अगर आप प्रकृति को प्यार करते हैं तो जरूर जाइए। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर है, साथ ही 5 संरक्षित क्षेत्रों में से ये एक है। यहाँ जाना बनता है। दोस्तों ये है बाबल बहरीन, जो कि मनामा में है। सचमुच बहरीन का इसे गेटवे कहा जाता है। ये देश के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। स्थान बहुत बेहतरीन है। समुद्र बाबल बहरीन से कुछ किलोमीटर उत्तर में है। आप निश्चित रूप से यहाँ की सैर कर सकते हैं, यहाँ की हवा को महसूस कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ये बेहतरीन जगह है। दोस्तों ये है अमवाज द्वीप। मुंबई में मानव निर्मित द्वीपों की अधिकता है और ऐसा बहरीन में भी है। उदाहरण के लिए अमवाज द्वीप समूह मानव निर्मित द्वीपों का एक समूह है, यानी इंसानों ने इस द्वीप समूह को बनाया है। ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। बेहतरीन साम्राज्य को 100% फ्री होल्ड भूमि स्वामित्व भी प्रदान करता है। अमवाज अब आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त जगह है, जहाँ जाना तो बनता है। आप सीरियसली यहाँ जाइएगा, आप देखेंगे कि ये जगह बेहतरीन है, जिसका कोई भी सानी नहीं। दोस्तों ये है अधरी पार्क। दोस्तों ये एक ऐसा मनोरंजन पार्क है जहाँ आप अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। खाने के आउटलेट्स, साथ ही रेस्टोरेंट्स, कैफेज आपको मिलेंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको बहरीन, हमें जरूर बताइएगा। बहरीन की इस यात्रा में सिर्फ इतना ही। हम फिर से मिलेंगे आपसे कुछ और डेस्टिनेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।